नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपने हमले को फिर से शुरू किया और उन पर देश में भय और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असली भारत देखा है। कुछ दिन पहले एक भाषण में मैंने कहा था कि RSS और BJP के लोगों से कि आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस यात्रा में किसी से भी पूछो कि क्या उसे उसका धर्म पूछा गया, उसकी जाति के बारे में पूछा गया, क्या उसे धमकाया गया या फिर उन्हें पीटा गया, नहीं, सिर्फ प्यार और सम्मान दिया गया। वही उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछ सकते हैं और वह इसकी पुष्टि ज़रूर करेंगे। इस यात्रा में कोई भी नफरत नहीं थी। क्या आपने इस यात्रा के दौरान चलते हुए किसी को गाली देते हुए या इस पूरी यात्रा के दौरान किसी को मारपीट करते हुए देखा या किसी से भी बहस करते हुए देखा हो तो आप बता सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कोई गिरता है तो दूसरे लोग उसकी मदद के लिए उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, यह भारत की सच्चाई है। राहुल ने कहा घृणा और भय से भरा भारत असली भारत नहीं है और अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमें असली भारत देखने को मिल रहा है। भारत का असली चेहरा दिखाने के लिए ही इस भारत जोड़ो यात्रा को चलाया जा रहा है, जहां पर लोगों को भारत का असली चेहरा देखने को अब एक बार फिर से मिलेगा। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।